गुड मॉर्निंग एवरीवन, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 पदार्थों में परिवर्तन चल रहा था और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं एवेपोरेशन यानी बाष्पन। तो बाष्पन क्या होता है? यदि एक विलयन को धीरे से गर्म किया जाता है तो विलायक इसके सतह से तब तक बाष्पित होता रहता है जब तक कि इसमें सिर्फ गिले हुए ठोस बच नहीं जाते। बाष्पन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलायक को गर्म करके विलेय को प्राप्त किया जाता है। विलायक को यानी जिसमें हमने किसी चीज़ को घोला है उसे गर्म करके जो विलेय था, जो घोला था, वो हम प्राप्त दोबारा से कर लेते हैं। जल को उबालकर एवं संघनित करके अशुद्धियों को अलग कर देते हैं तथा आसुत जल हम प्राप्त कर लेते हैं बाष्पन विधि द्वारा। फिर है क्रिस्टलीकरण या रवाकरण। ये क्या होता है? रवा पदार्थ का सबसे शुद्ध ठोस रूप होता है जिसकी एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अशुद्ध यौगिक को उसके रवा में परिणत किया जाता है क्रिस्टलीकरण कहलाता है। रवाकरण की शुरुआत प्रायः किसी पदार्थ के विलयन को सांद्रित करने से प्रारंभ हो जाती है। विलयन को जैसे जैसे गर्म किया जाता है विलायक बाष्पित हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब बहुत थोड़ा विलायक बच जाता है। इस विलयन को सांद्रित विलयन कहा जाता है। विलयन में विलेय को सांद्रता तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि विलयन संतृप्त नहीं हो जाता। अब यदि गर्म करना बंद कर दें तो विलयन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो घुले हुए पदार्थ का रवा अलग होना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो क्रिस्टलीकरण आपको समझ में आया? क्या होगा कि जैसे जैसे हमने किसी विलयन को गर्म किया वो बाष्पित हो जाता है और फिर बाद में क्या होगा कि जो ब्लैक होता है वो जरा सा ही बचता है और फिर इस विलयन को हम सांद्रित विलयन कह सकते हैं। और अब इस विलयन में विलेय की सांद्रता अगर हम तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि विलयन जो है वो संतृप्त ना हो जाए। और यदि हमने उसको बीच में ही गर्म करना बंद कर दिया तो वो जो विलयन है अब वो ठंडा होने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है कि घुले हुए पदार्थ का जो रवा होता है वो अलग बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। लॉन्ग आंसर करते हैं। देखिए, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। अगला देखिए, रासायनिक अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण देके समझाइए। तो बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और इसकी ये आपको पूरी अभिक्रिया लिखनी है। अगला देखिए, क्या होता है जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा, क्या होता है जब का आंसर यहाँ से लिखकर, और जब कॉपर सल्फेट के विलयन, ये पेज नंबर आपको 43 पे मिलेगा और इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक इस अभिक्रिया को लिखने के बाद में कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पांचवे का आंसर, फोर्थ का आंसर करना है। फिर देखो, समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, समुद्री जल को सिले के तैयार कर लिया जाता है तक। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सी कारक को परिभाषित कीजिए तथा नीचे दी गई अभिक्रियाओं में इसे पहचानिए, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है तो ये बन गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सी कारक को बताना है तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे, ठीक, और उसके बाद में ये अभिक्रिया लिखोगे और इसके लिए यहाँ पे लिखोगे, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। लास्ट है क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सेवेंथ का आंसर यहाँ से लेके आपको क्रिस्टलीकरण तक करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कम्प्लीट, हमारे लॉन्ग आंसर भी कम्प्लीट हो जाते हैं। अंतर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे ना, और ये समीकरण भी बता दी थी और इनको परिभाषित करने के लिए ये भी बता दिए थे और यौगिक, इन यौगिकों के सूत्र और तत्वों के संकेत आपको करने हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सारा होमवर्क अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना और इसको याद भी करते रहना, पूरा चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।